करके जब शांति की इच्छा रखने वाली आत्माओं से वार्तालाप होता है तो एक ही शिकायत करते हैं कि मन में बड़ा टेंशन है, बड़ी अशांति है, मन बड़ा चंचल है। ऐसा कह करके बहुधा अपने मन को दोष देते हैं और कहते हैं क्या करें, मन तो पापी है ना, मन तो वायु के समान तेज है, बेलगाम घोड़ा है। अर्जुन को भी इसी प्रकार के संकल्प आते थे और उन्होंने भगवान को यही अपने मन की शंका बताई। और ऐसा कह करके मनुष्य फिर मन की शक्ति को आगे बढ़ाने का लक्ष्य नहीं रखते। पर वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन को एक नहीं, वास्तव में गीता जी में जो संवाद है अर्जुन का और भगवान का, वो देखा जाए तो हमारा ही संवाद है। आज भी वही समस्याएं हैं, आज भी वही परिस्थितियां हैं, उसी तरह की दुविधाएं हैं। तो जब हम प्रश्न तो ध्यान में रखते हैं कि अर्जुन ने कहा मन बड़ा चंचल है, वायु के समान तेज है, परंतु हम भगवान के दिए हुए उत्तर को सामने रखते हैं। भगवान ने प्रश्न का जवाब क्या दिया? भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अभ्यास से मन को जीता जा सकता है, अभ्यास को बढ़ाओ। तो कौन सा अभ्यास हमको रखना है? और हम देखें कि किन बातों के कारण हमारे मन की शक्ति क्षीण होती है, कौन सी बातें हमारे मन में दुविधा और द्वेष पैदा करती हैं। जब मन हमारा है, मन किसी और का तो नहीं है ना, यही कहा जाता है मेरा मन, ये नहीं कहते तेरा मन। जब मेरा मन है तो मेरे मन को डायरेक्शन देना ये मेरा काम है। मुझे अपने मन को सही दिशा देने के लिए अपने सामने एक क्लियर लक्ष्य रखना चाहिए, अथवा मुझे समझ चाहिए। जैसे मन है बराबर, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो बच्चा चंचल है, परंतु उसको ट्रेनिंग देना माँ का काम है। तो मेरा मन है तो फिर जो बुद्धि है उसका काम है मन को समझाने का और ये बताने का कि किन बातों के कारण हमारे मन की शक्ति क्षीण होती है। हम बहुत करके देखेंगे तो हम अपनी शक्ति व्यर्थ चिंतन में बहुत गंवाते हैं। जो बात हो गई है उसका चिंतन बार बार करते रहते हैं, अथवा जो बात होने वाली है उसकी चिंता करते रहते हैं, और कुछ अगर अच्छा कर भी लिया है तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, मैंने इस प्रकार से अच्छा किया, मैंने ये अच्छा किया। स्वमान में रहना ठीक बात है, परंतु जो बात हो गई है अच्छी हो गई तो चलो अच्छी हो गई तो आगे भी अच्छी होती रहे, हम अपनी शक्ति को क्षीण तो ना करें। उससे क्या होता है कि यदि हम मन में संकल्पों को व्यर्थ चलाते रहते हैं तो जैसे कोई मशीनरी है, अगर वो ऐसे ही चलती रहेगी तो क्या होगा? बहुत समय तक मशीनरी कोई चलती रहेगी तो पुरानी हो जाएगी ना, घिस जाएगी ना। फिर उसमें से जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, जो उसमें से हमको जिस चीज़ का ठीक प्रकार से क्वालिटी चीज़ हमको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है ना। इसी प्रकार से यदि हम अपने मन में व्यर्थ संकल्पों को चलाते रहते हैं तो मन की शक्ति क्षीण हो जाती है, मन थक जाता है
और मन को फिर अगर हम परमात्मा की तरफ लगाना चाहते हैं तो वो लगता नहीं, मन बोझिल अथवा भारी हो जाता है, क्योंकि हम दूसरों की बातों को अथवा अपनी कमी कमजोरियों का बोझ मन में उठा करके चलते रहते हैं। और यदि कोई बोझ उठा करके चले तो आप देखो क्या होगा, थकावट होगी ना। तो इसीलिए हम ये सोचें कि मन की शक्ति को मुझे जमा करना है, जितनी मुझे ज़रूरत है संकल्प चलाने की उतना मैं चलाऊं। जिस चीज़ को एक मिनट के संकल्प की ज़रूरत है उसको मैं अगर 10 मिनट दूंगी तो ज़रूर है 9 मिनट तो वेस्ट गया ना, व्यर्थ चला गया, और व्यर्थ चला गया वो तो व्यर्थ हो गया, घाटा पड़ गया बस। और फिर मैं अगर उसको ठीक करने के लिए कोशिश भी कर रही हूँ तो 3 गुनी शक्ति मुझे और देनी पड़ेगी, क्यों कि जो नुकसान हो गया उसको मैं सुधारने के लिए फिर और कमाई कर रही हूँ, अच्छा संकल्प कर भी रही हूँ, तो जो घाटा पड़ गया उसको ही मैं ठीक कर रही हूँ ना, तो मेरा टाइम भी गया, मेरी खुशी भी चली गई, और जो मुझे अब और आगे करना चाहिए था वो जमा भी उतना नहीं हुआ। उसी समय में जो मैं ठीक करने में लगा रही हूँ, अगर मैं उतनी कमाई जो मैं ठीक करने में अच्छा करके बना रही हूँ वो और अगर करती तो मेरे मन की शक्ति ज़्यादा जमा होती ना, तो मैं अपने आप को घाटा क्यों डालूँ। कोई भी इंसान अपने आप को हानि नहीं पहुँचाना चाहता, भूल से भी हानि नहीं पहुँचाना चाहता, और हम बार बार अपने आप को हानि पहुँचाते हैं। और उससे क्या होता है कि न केवल मन की शक्ति कम होती है परंतु तन भी कमज़ोर हो जाता है और बीमारी आ जाती है तो आयु भी कम हो जाती है। अभी आप देखेंगे प्रकृति में ऐसा गुण है जो हमको प्रकृति से बहुत बातें सीखने को मिलती हैं। हम देखें कछुआ है, कछुआ जब चलता है तो उसके अंग फैलते हैं, वो अपने हाथ पैर को बाहर निकालता है, और जब बैठता है तो अपने अंग समेट करके बैठ जाता है। और कछुए के ऊपर से एक कितना हैवी व्हीकल भी चला जावे ना, कोई भारी चीज भी चली जावे, कछुआ उससे क्षति को नहीं प्राप्त करता। एक बार हमने देखा बहुत बुरा कछुआ, ऐसे सुना और देखा भी, उनसे पूछा हमने इस कछुए की उम्र कितनी है, तो 150 साल, कोई कछुए 200 साल तक जीते। एक बार एक पेड़ कछुए पर गिरा, परंतु वो उस अंग अंदर समेट करके बैठा हुआ था, इतना बड़ा पेड़ कछुए पर गिरा तो भी उसका बैक इतनी जबरदस्त स्ट्रांग रॉक की तरह थी, पहाड़ की तरह थी, कछुए को क्षति नहीं पहुंची, और कछुआ पेड़ हटाया और कछुआ आराम से चलने लगा। तो हमने मन में सोचा कि हम तो थोड़ी सी कोई बात अगर आती है तो मन इतना हर्ट हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है अथवा इतना कमज़ोर हो जाता है, जो मन बजाय शांति से प्रेम से चलने के और ही अशांति दुखी की लहरों में आने लग जाता है। तो अगर हमको अपनी जैसे कछुए की आयु लंबी क्यों हुई, क्योंकि शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाया। तो ऐसे हम भी अपने मानसिक शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाएं, चाहे पर चिंतन में, क्योंकि बहुत करके हमारी शक्ति दूसरों के चिंतन में जाती है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसने ऐसा किस आधार पर किया, तो हमारे मन में 5 तरह के क्वेश्चन उठते हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे, इसने ऐसे क्यों कही, तो हम मंत्र और कैकई का संवाद मन में करना शुरू कर देते हैं, मन में फालतू संकल्प और दूसरों में संशय लाने से, अपने आप में भी संशय लाने से क्यों क्या के बहुत विस्तार में चले जाते हैं। और रिजल्ट क्या होता है, आत्मा की जो शक्ति है, जिस सदुपयोग उसका होना चाहिए वो नहीं होती। तो इसीलिए अगर मुझे अपनी आंतरिक शक्ति का, मानसिक शक्ति का सदुपयोग करना है तो भगवान की जो श्री मत है कि अभ्यास से मन को स्थिर बनाओ। मन की इच्छा तो है ना मैं शांत रहूं। अभी आप देखेंगे मानो आपको गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आया, आपकी इच्छा नहीं थी कि आप गुस्सा आवे,
और आपको मालूम है कि आपका गुस्सा नुकसानकारी है, उस पर आपका सम्मान खत्म हुआ, आप दूसरों की नज़रों में गिर गए, आपको अंदर मन ही मन में दुख होता है कि मैंने गुस्सा क्यों किया, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एक मिनट के गुस्से ने आपको सारा दिन मन में पश्चाताप की अग्नि में जलाया। और कोई दूसरा गुस्सा करता है तो भी मन दुखी होता रहता है। तो मन ना गुस्सा करना चाहता है ना गुस्सा सहन करना चाहता है। और सचमुच ये भी देखा, अभी तो वैज्ञानिक रीति से भी ये प्रूव हो चुका है कि अगर एक मिनट का गुस्सा अगर है तो जो हमारी रिसेप्टिविटी है, जो ब्रेन की नर्व्स हैं, जो हमको कोई सद्भावना से शिक्षा भी देता है, तो उस समय हमारी बुद्धि वो ग्रहण नहीं करती। और हम रोज़ के व्यवहार में भी देखते हैं कि अगर गुस्से में कोई व्यक्ति है और उसको आप कहो ये बात ठीक नहीं है, तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा करना चाहिए, तो वो जिद में आकर के और ही गुस्सा करेगा। गुस्से में सच्ची शिक्षा भी सच्ची शिक्षा नहीं लगती है। हीरा भी आप उसको दो, यानी शिक्षा का, दिव्य गुणों का हीरा भी दो, उसको पत्थर समझ कर फेंक देगा, आपकी सद्भावना की वैल्यू नहीं रखेगा। और गुस्सा ठंडा हो गया, फिर आपने उनको वही बात बताई, वो कहेंगे थैंक यू, आपने मुझे सही मार्ग बताया, सचमुच ही मेरी भूल थी। पर गुस्से के समय आप कहो भूल है, वो कहेगा तुम कौन होता है मुझे बताने वाला। तो इसी प्रकार क्या है कि जिस समय हम अशांत के वातावरण में हैं तो मन में सद्भावना ग्रहण करने की शक्ति भी नहीं और देने की शक्ति नहीं। तो मैं क्यों ना अपने मन को समझाने के लिए अंतर्मुखी स्थिति में स्थित हूँ। तो भगवान ने जो कहा है कि अभ्यास से मन को जीता जा सकता है, मन को दिव्य बनाया जा सकता है, मन को स्थिर बनाया जा सकता है, तो सचमुच पहले तो हम अपने मन को कोसे नहीं, मन को बदनाम नहीं करें, मन की महिमा करें कि ये मेरा मन ही तो है जिसको शांति चाहिए, मन की तो ये भावना है कि मेरे विचार अच्छे हों, मन के अंदर ही तो शुभ इच्छाएँ होती हैं कि मैं दूसरों के साथ भी सदव्यवहार करूँ, मन के अंदर ये डिटर्मिनेशन आती है, विल पावर आती है, मनोबल कि मुझे अवगुणों को ख़त्म करना है। तो मैं अपने आप को उसी स्वरूप में याद दिला करके, इस स्वरूप में स्थित हो करके अंतर्मुखी में स्थिति में स्थित हूँ। हमारी शक्ति जो क्षीण होती है वो बाहर मुखता से होती है। बाहर मुखता यानी मुख यही है, पर इस मुख में आँखें, कान, जबान, सुगंध की शक्ति, ये कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां जो हैं, ये बाहर क्या हो रहा है उसको देखती हैं। उसका आंतरिक भाव है उसका विचार नहीं करती। आंखों ने कुछ देखा, कानों ने सुना, जिह्वा ने फौरन उसका वर्णन करना शुरू कर दिया, और हम बाहर व्यवहार में, परचिंतन में दूषित वातावरण बनाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, अवगुण की दृष्टि रखने से, जब हमने बाहर की आँख से देखा तो हम अवगुण ही देखते हैं, जब हमने कन रस लिया तो हम पर निंदा सुनने में ही रस लेते रहेंगे, तो हमारी स्थिति क्या होगी, हमारी मन की शक्ति व्यर्थ हो जाएगी ना। बोल जो हम बोलेंगे तो खराब बातें दूसरों के लिए बोलेंगे, गॉसिप में अपनी शक्ति को ख़त्म करेंगे। तो हमारी शक्ति बाहर मुखता के कारण व्यर्थ जाती है, और अंतर्मुखता यानी मुख यही है परंतु इन आँखों से देखते हुए हर चीज़ को हम, जो आंतरिक आँख है जिसको दिव्य नेत्र कहा जाता है, जिसको आत्मा कहा जाता है, उस आत्मिक लाइट से देखें, तीसरे नेत्र से देखें। तो तीसरे नेत्र से देखने से उसका भाव क्या है वो हम समझेंगे, और उनके अवगुण का प्रभाव हमारे पर नहीं होगा। क्योंकि जब हम किसी के अवगुण का प्रभाव अपने पर ले आते हैं तो हमारे में अभाव आना शुरू होता है, हमारे में कमी आना शुरू हो जाती है, और वो कमज़ोरी हमारी कमज़ोरी बन जाती है। तो इसलिए अंतर्मुखता की गुफा में हम बैठ करके, आत्मा का दीवा जगा करके ये अभ्यास करें, मन को बार बार
प्रभु चिंतन में लगाए। अंतर्मुखी स्थिति और एकांत स्थिति से हमारे मन की शक्ति बढ़ती है। एकांत का मतलब ये नहीं कि मैं घर छोड़ करके कहाँ जंगल में चला जाऊँ, नहीं, मैं व्यवहार में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी एक प्रभु की मिली हुई शिक्षाओं की गहराई में जाऊँ और एक प्रभु से अंतर मन से मिलन मनाता रहूँ। तो बेशक हम कितनी सभा में बैठे हुए अथवा कितनी भीड़ में भी हम हैं ना, तो भीड़ में रहते हुए भी हम एकांत का अनुभव कर सकते हैं। क्यों? कि हमारा उस समय मन एकाग्र है ईश्वरीय चिंतन में अथवा दिव्य गुणों के मंथन में। तो क्या होता है कि मन में जब हम शुभ विचार चला रहे हैं तो जो आत्मिक शक्ति है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे व्यर्थ चिंतन से शक्ति घटती है, शुभ चिंतन से शक्ति बढ़ती है। और उस प्रकार से जब शुभ चिंतन है, प्रभु चिंतन है, ईश्वरीय मनन हम कर रहे हैं, तो उससे परमात्मा वाले गुण हमारे गुण बनते चले जाते हैं। परमात्मा के गुण वो कल्याणकारी है, वो सदगति दाता है, वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो मैं आत्मा भी जब आंतरिक मन में ज्ञान का मंथन कर रही हूँ अथवा चिंतन कर रही हूँ तो आत्मा की सत्यता शक्ति को कायम रखेगी कि मेरी सत्यता मेरे पास है। बेशक मेरी सत्यता का कहीं विरोध भी हो रहा है, कहाँ पर किसी को नहीं अच्छा लगता है तो निंदा भी कर रहे हैं, कोई फालतू बातों में इधर उधर वातावरण भी फैला रहे हैं, परंतु अगर मेरे पास हीरा है और हीरे को 50 लोगों ने देख करके कहा अरे तुम ये पत्थर क्यों उठाए फिर रहे हो, परंतु मुझे अगर अंदर में निश्चय है कि हीरा सचमुच हीरा है तो किसी दूसरे के कहने से, चाहे 50 लोगों ने कहा, तो मैं उसको पत्थर समझ करके फेंक नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे निश्चय है कि वो हीरा है। तो मुझे मन की शक्ति, ये सत्यता की शक्ति है, ये आत्मा का सत्य है। तो अगर मेरे मन को कोई दूसरा विचलित भी करना चाहे, कोई परेशान भी करना चाहे, तो मैं अपनी शान को क्यों जाने दूं? परिस्थितियां आई हैं, मैं अपनी स्व स्थिति को क्यों ना संभाल के रखूं? परिस्थितियां आई हैं मेरे मनोबल को ठीक यूज करने के लिए, परिस्थितियां तो आएंगी, क्यों कि सागर में लहरें उठती हैं, वो स्वाभाविक है, परंतु मुझे लहरों से लहराना है। आजकल हम देखते हैं बहुत भाई बहने सागर की लहरों से सर्फेसिंग करते हैं, जिसको आता है लहरों में लहराना वो डूबता नहीं है, वो उसी लहरों का आनंद लेता है। तो इस संसार सागर में विरोध भी होगा, अपमान भी होगा, परिस्थितियां भी आएंगी, परीक्षाएं भी आएंगी, किस लिए? इस बात को याद कराने के लिए कि तुम्हारी आत्मा का जो मनोबल है उसमें तुम क्षीण नहीं हो, क्योंकि जब कोई परीक्षा आती है तो पास होने के लिए आती है ना। परीक्षा में बैठने का लक्ष्य तो यही होता है ना कि मैं पास हूँ, ये तो नहीं होता कि मैं परीक्षा इसलिए दे रहा हूँ कि मैं फेल हूँ। तो जीवन भी एक परीक्षा है, जीवन हर क्षण पेपर आते ही रहते हैं, चाहे अपने मन से आएंगे, चाहे परिवार वालों से आएंगे, चाहे हमारे मित्रों से आएंगे, चाहे समाज वालों से आएंगे, चाहे अनेक अन्य आत्माओं से आएंगे, जिनके भी हम संग में आएंगे वो हमारे लिए एक परीक्षा के रूप में सामने आएंगे ज़रूर। परंतु उस समय मन की शक्ति को क्षीण ना कर करके स्व स्थिति बनानी है, स्वमान में रहना है, मन को मान देना है कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बलवान हो। मन को और बातों में ना लगा करके भगवान ने कहा है मन मना भाव, यानी मन को मेरी ओर लगाओ। तो जो हम बार बार
और बातों का चिंतन करके मन को उसमें बिजी कर देते हैं तो उसका असर हमारे पर आ जाता है। तो ऐसे क्या करना है, मन के डायरेक्शन को चेंज करना है, यानी विचारों को सद विचारों से बदलना है। और जब हम सद विचारों से बदलते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो सत्य परमात्मा की तरफ मन लगना शुरू होता है। और जब परमात्मा की तरफ मन लगना शुरू होता है तो मन फिर किससे बातें करेगा, परमात्मा से ही बातें करेगा ना। अब जब भगवान से बातें करने लग गए तो क्या होगा, जो भगवान के गुण हैं उनका रस आने लगेगा, तो मन एक रस स्थिति में स्थित हो जाएगा। उससे एक रस स्थिति में जब स्थित हुआ और हम उस योग साधना में उस लगन में भगवान की महिमा का अनुभव कर रहे हैं, खाली महिमा नहीं कर रहे हैं, आप शांति के सागर हैं, प्रभु आप प्रेम के सागर हैं, परमात्मा आप आनंद के सागर हैं, पवित्रता के भंडार हैं, हम अनुभव खाली नहीं गुण नहीं गा रहे हैं परंतु उन गुणों का रस ले रहे हैं। और जब हम गुणों का रस ले रहे हैं तो मन जो व्यर्थ चिंतन में था वो चिंतन खत्म हो गया और रस लेने में मधु इकट्ठा करने लग गया। जैसे मधुमक्खी जो है जो फूल के आसपास घूमती है तो भिन 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 थोड़ी थोड़ी आवाज़ करती रहती है, और जब फूल का रस चुगने लग जाती है, रस पीने लग जाती है तो आवाज़ बंद हो जाता है। तो ऐसे ही प्रार्थना बंद हो जाती है, आपको प्रार्थना करने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, हे प्रभु मेरे मन को एकाग्र करो, हे प्रभु मेरे मन को शक्ति दो, हे प्रभु चंचल मन को स्थिर बनाओ, नहीं, वो मन प्रभु के रस में इतना लवलीन हो जाता है, इतना रस लेने लग जाता है, जो वार्तालाप करते करते जो परमात्मा का मन है भरपूर सत्यता का, सत्य चित्त आनंद का सागर, तो आत्मा भी उसी प्रकार से चैतन्य प्रभु मिलन मनाते मनाते और चिंतन से हट करके प्रभु लगन में इतनी मगन हो जाती है जो उसका रस उसका मधु इकट्ठा करने लग जाती है। इसलिए मन फिर क्षीण नहीं होता, मन शक्तिशाली हो जाता है और उसमें सब प्रकार की शक्तियाँ, फिर कोई परिस्थिति जो इकट्ठा कर लिया ना परमात्मा से, तो मधुमक्खी शहद इकट्ठा करेगी, खुद तो फिर नहीं खाएगी, और खाएंगे ना उसकी शहद। इसी प्रकार से वो जो शक्ति इकट्ठी हो गई तो फिर सहनशीलता भी आ जाएगी, कोई परिस्थिति है तो उसको साक्षी होकर के देखने की शक्ति भी आ जाएगी, और परिस्थितियाँ आई तो जैसे एक एक ड्रामा है, ये तो बहुत सुंदर सीन चल रहा है, तो जैसे एक आनंदमय स्थिति सदा ही रहेगी। इसलिए मन बड़ा अच्छा है, मन चंचल नहीं है, मन की शांत शक्ति का, मन की आत्मा की वास्तविक शक्ति जो बहुत पावरफुल शक्ति है, वो मन दिव्य मन है, सत्वगुणी मन है, पवित्र मन है। इस प्रकार से रोज़ अपने आप अपने मन मंदिर में, कभी पवित्रता की देवी को, कभी शांति की देवी को, कभी आनंद के देवता को, कभी सुख के देवता को बिठा करके रोज़ मन से मिलन मनाते रहेंगे तो मन पावरफुल हो जाएगा और सर्व शक्तियों का संचय मन में जमा हो जाएगा, फिर मन कमज़ोर नहीं रहेगा, मन परमात्मा में लगा रहेगा और शक्तिशाली बन जाएगा। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है, तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी अकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।